माथि भरिनेको आगो लागेको छ माथि भरिनेको फोन गर्दै फोन गर्यो बखरा ये पोहरा प्लेन क्रस हो प्लेन कसरी ताने त्यहाँ जानै सक्नु परेन खाल्टो छ यहाँ खाल्टो छ क्या सलाम नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप जहां भी होंगे सही सलामत होंगे। दोस्तों आज मैं कुछ जरूरी खबर आपके बीच शेयर करने वाला हूं सऊदी अरब का, जो इसे जानना बेहद जरूरी है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को खबर अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों खबर, पहले खबर से शुरुआत करते हैं। शुरुआत है कि अगर आप लोग ठंडी में गर्म पानी से नहाते हैं, गीजर वगैरह से नहाते हैं, तो उसके लिए खबर है सऊदी के तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है। और दूसरी खबर है दोस्तों, एति एयरलाइंस जो नेपाल में हादसा हुआ है उसके की तरफ से। और दोस्तों तीसरी खबर है जो कस्टम सऊदी कस्टम विभाग ने 81 किलो गांजे को पकड़ा है। तो खबर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर दोस्तों, जो हमारे जितने भी परदेसी भाई लोग खाड़ी देशों में रहते हैं, उन लोगों को विशेष प्रकार से यह ध्यान देना चाहिए कि अगर वो लोग गर्म पानी से नहाते हैं ठंड के वक्त और कपड़े वगैरह धुलते हैं, तो विशेष प्रकार से इस बात को ध्यान देंगे कि गर्म पानी जहाँ से वो निकल रहा है, जहाँ से गीजर वगैरह लगा हुआ है, हीटर वगैरह लगा हुआ है, तो वहाँ पर कैसा वहाँ का जगह है, वहाँ का जगह अच्छा है कि नहीं अच्छा है, गीजर वगैरह अच्छे हैं कि नहीं, कहीं तार वगैरह लीक तो नहीं कर रहा है, कहीं टच तो नहीं कर रहा है तार वगैरह, नंगा तार टच तो नहीं कर रहा है दीवार पे। तो आप लोग विशेष प्रकार से दोस्तों आप लोग यह ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह शॉर्ट सर्किट्स होने की वजह से क्या असर होगा। आप लोगों को मैं बता दूँ, क्योंकि हर साल कुछ ऐसी खबरें आती हैं जिसमें कई हमारे परदेसी भाई लोगों की देहांत हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, और ये बहुत दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग विशेष प्रकार से जहां भी आप लोग रहते हैं, आप लोग अपने चारों तरफ जहां आपका बाथरूम है, हमाम है, वहां पे आप लोग विशेष प्रकार से ध्यान दीजिएगा कि अगर वहाँ पर पानी टच होता है दीवारों पर और वहाँ पे तार वगैरह लीक है, तार वगैरह टच हो रहा है जिसमें करेंट्स है, तो आप लोग विशेष प्रकार से उससे दूर रहिएगा और वहाँ पे जल्द से जल्द उसको बनवा लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों कुछ समस्याएं हो सकती हैं, करेंट लग सकता है आप लोगों को, क्योंकि हर साल ऐसी घटनाएं आती हैं। तो यह सऊदी की तरफ से एडवाइजरी जारी किया गया है कि आप लोग विशेष प्रकार से ध्यान दें गर्म पानी यूज करते वक्त, गर्म पानी से नहाते वक्त, जिससे सभी लोगों को ये सहूलियत मिलेगी और सभी लोगों को आराम मिलेगा। दोस्तों दूसरी खबर एति एयरलाइंस। एति एयरलाइंस दोस्तों बहुत ही दुखद घटना हुई है, जिसमें एक एति एयरलाइंस जिसमें 72 लोग सवार थे, जिसमें 5 भारतीय नागरिक थे और 40-45 से ज़्यादा नागरिक थे नेपाल के और फ्रांस के, अर्जेंटीना के, साउथ अफ्रीका के, ऐसे नागरिक उसमें सवार थे। और दोस्तों सभी लोगों की मौत की खबर है और बहुत दुखद घटना है। आप लोग मेरे वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह जहाज असंतुलन होकर किस तरह वो जहाज़ जाके खाई में गिरती है, और वहाँ के जो वासी हैं, जो नागरिक है, उनके द्वारा ये वीडियो में मोबाइल के वीडियो से शूट किया हुआ रिकॉर्डिंग है, जिसे आप देख रहे हैं कि किस तरह पहले आग लगती है उस जहाज़ में, उसके बाद जाके खाई में गिरती है। दोस्तों बहुत ही दुखद घटना है, चारों तरफ अफरातफरी मचा हुआ है, सभी के परिवारजनों, सभी के मुझे बहुत कष्ट है उन लोगों की, उन लोगों के साथ मेरी सहानुभूति है। दोस्तों देख रहे हैं क्या कितना हाहाकार मचा हुआ वहाँ पे, कितने लोग वहाँ पर आ चुके हैं, चारों तरफ आग की लपटें लगी हुई हैं। और दोस्तों बहुत ही दुखद घटना है। इसमें दोस्तों 4 क्रू मेंबर थे, जिसमें और 68 इसमें पैसेंजर थे जो सवार थे, जिसमें 5 जो नागरिक हमारे यूपी के सवार थे, और सभी लोगों का दुखद मौत हो गई और सभी लोगों की आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों एक खबर आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह असंतुलन हो के वीडियो में आप लोग या जहाज जाकर गिरा और चारों तरफ धुआं का गुबार उठ चुका। तो दोस्तों आप लोग विशेष प्रकार से ध्यान दीजिए, और अगर आप लोग फ्लाइट्स वगैरह अगर आप लोग ट्रेवल करते हैं, तो कोई नहीं जानता कि कब क्या होगा, क्योंकि जहाज़ एक ऐसा है जिसमें जितने भी पैसेंजर होते हैं सबको
पैराशूट वगैरह नहीं दिया जाता है, उसमें पैराशूट की व्यवस्थाएँ होती ही नहीं है जहाज में। उसके लिए तो केवल जो फाइटर प्लेन वगैरह होते हैं उसमें, और जो हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं उसमें दिया जाता है पैराशूट वगैरह, और ये जो नागरिक जो पैसेंजर फ्लाइट्स होती है उसमें पैराशूट की व्यवस्था नहीं होता है। तो अमूमन अधिकतर ये देखा गया है कि अगर फ्लाइट वगैरह क्रैश हो रहा है तो इसमें जितने लोग रहते हैं उन लोगों की जानें नहीं बचती हैं, और बहुत दुखद घटना है। तो दोस्तों ये रही दूसरी खबर, और दोस्तों तीसरी खबर रही गांजे को लेके। दोस्तों अगर आप लोग इलीगल काम करते हैं सऊदी अरब में रह के, चाहे दारू का व्यापार हो, चाहे गुटखे का व्यापार हो, चाहे तंबाकू का व्यापार हो, चाहे गांजे का व्यापार हो, अगर आप लोग गलत काम करते हैं तो एक नए दिन जरूर पकड़े जाइएगा, और पकड़े जाने पर बहुत बड़ी सजा है यहाँ पर, और उसके साथ साथ आपको मुखालफा लगेगा और आपके ऊपर बहुत ही कठोर कार्रवाई होगी। दोस्तों सऊदी अरब में कस्टम विभाग वालों ने एक गांजे को पकड़ा है, उस गाड़ी को पकड़ी है, और गाड़ी में गांजा देखिए किस तरह, फोटो में देख रहे हैं आप लोग कि किस तरह उसको गांजे को छुपा के गाड़ी में रखा जा रहा था। 81 किलो दोस्तों, 81 किलो हशीश यहां बोला जाता है, तो गांजे को पकड़ा गया है, जिसमें दो तीन नागरिकों को पकड़ के उन लोगों को पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है, और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और उन्हें जल्द से जल्द उनको सजा मिलेगी। और यह सोचने वाली बात है कि 81 किलो गांजा सऊदी अरब में एंट्री हुई तो हुई कैसे। इस पर विशेष प्रकार से जो सिक्योरिटी वाले हैं उन लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, और उन लोगों के ही सतर्कता से यह जो 81 किलो जो गांजा है वो पकड़ा गया है। आप लोग देख रहे हैं वीडियो की गाड़ी की छत पर उसको रखा गया था, और यह बहुत ही चलाकी से किया गया है, और यह लेकिन चलाक कितना भी चलाक हो लेकिन पुलिस वालों की नज़रों से, कस्टम वालों की नज़रों से आप लोग नहीं बच सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी खबर थी तीसरी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, अगर आप मेरा वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को मेरे फॉलो कर लें इंस्टाग्राम को, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।